कुछ इंजर्ड हुए हैं, क्या मामला है? ऐसा है कि कल सूचना मिली कंदवा थाने से, ये किरण वहाँ पर जो है घायल अवस्था में रखा हुआ है। हम लोग अपनी टीम के साथ वहाँ जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ बाइक सवार लोग जो है एक हिरण घायल अवस्था में ला रहे थे, तो हमने सर्वप्रथम जो है प्राथमिकता के आधार पर उनको अपने कस्टडी में लेकर के उनका इलाज जो है कराने हेतु सराया जो है राजकीय पशु चिकित्सालय में ले आए। जैसे वहाँ पहुँचे, वहाँ एक हिरण छतेम ग्राम से जो है कुछ लोग लेके आए, हाँ, तो वो भी घायल अवस्था में था। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के किनारे जो है जब पानी बरसात में जब पानी भर जाता है तो मिट्टी, काली मिट्टी है वो दलदली हो जाती है, उसमें जब हिरण जाने लगते हैं तो उनका पैर फंस जाता है, उसके बाद जो है वो उसमें से निकल नहीं पाते, उसी के फिराक में कुत्ते जो होते हैं उन पर हमला बोलने के लिए उनको दौड़ाते हैं और उसी में घायल हो जाते हैं वो। तो हम लोग जो है वो दोनों हिरण का इलाज कराए, उसके उनका इलाज करा के हम सराया पौशाला जहाँ पर इसमें कितने हम हिरण घायल हुए हैं, कितने मरे हैं, कितने देखिए अभी तक हुए? दो हिरण तो मर गए हैं, कल एक हिरण मरा उसका पोस्टमार्टम का पंचनामा दफना दिया गया सराया पौशाला में, आज एक हिरण मरा है उसका पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके बाद हम लोग उसका पंचनामा करा के दफना देंगे। दो हिरण जो है, एक हिरण अभी हम लोग जेवरिया बाद ग्राम से लाए, सूचना मिली 100 नंबर पुलिस से, यहाँ पर जो है एक हिरण पकड़ा गया है, हम लोग वहाँ से लाए उसको चंद्रप्रभा सेंचुरी, चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार चकिया में, वहाँ हम लोग उस हिरण को, और एक हिरण और है जो घायल अवस्था में है वो इस समय स्वस्थ हो गया है, उसको हम लोग जंगल में छोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनको बचाने के लिए क्या उपाय किया जा रहा है? अब इनको बचाने के लिए अभी तो हम यहाँ पर 1 जून को आए हुए हैं, तो हमको अभी ये क्षेत्र थोड़ा सा मतलब थोड़ा हटके लग रहा है, लेकिन इनको बचाने का तरीका अब यहाँ यह है कि पानी गर्मियों में नदी में रहता है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अब इसके लिए बस यही हम काम कर सकते हैं कि लोगों को जागरूक करें, उनको ये बताएं कि भैया ऐसा है कि ये जो है वन विभाग वन्य जीव जो है ये पूरे विश्व की अमूल्य धरोहर है, इसको आप लोग बचा के रखें, प्रयास करें कि इनका अवैध शिकार न होने पाए, इनको संरक्षित किया जाए अधिक से अधिक मात्रा में, हम लोग यही प्रयास सब करेंगे आने वाले दिनों में। हाँ, ठीक।